नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं बी यूनिक चैनल में हनुमान चौहान। विधानसभा यात्रा चुनाव यात्रा में इस समय है मेड़ता सिटी में, मीराबाई की जन्म स्थली। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय श्रीमान लक्ष्मण मेवाल से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर। बहुत लक्ष्मण जी, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके शुरुआती जीवन सफर कैसे रहा, उसके बारे में आप बताएं। शुरुआती जीवन सफर बहुत ही कठिनाईपूर्ण रहा। मैं किसान मजदूर का बेटा हूँ, मेरा मैंने की मजदूरी की, खेती बाड़ी की, सारे काम किए, खरीदारी कर रहा हूँ। आप काफी समय से राजनीति में, पिछले विधानसभा चुनावों में आप निर्दलीय चुनाव लड़े थे, तो राजनीतिक प्रेरणा आपको कैसे मिली, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, मैं जब से बड़ा हुआ हूँ तो एक जनता की जन सेवा करने का मेरे अंदर भाव था। तो फिर मैंने ये सोचा भाई, राजनीतिक जीवन में रहते हुए मैं इस समाज सेवा को और ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ। और मेरा ये मानना है, अगर आप ईमानदारी से जनता की सेवा करना चाहते हो तो राजनीतिक जीवन बहुत अच्छा है। राजनीति का लोगों की लंबी और अच्छी सेवा कर सकते हो। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप राजनीति में जुड़े इसलिए क्योंकि आप जनता की सेवा से पहले भी जुड़े थे, लेकिन राजनीति में आकर और भी आप बड़े क्षेत्र पर आप लोगों की मदद कर सकते हैं अन्य कई क्षेत्रों में। बिल्कुल सही कहा आपने। राजनीतिक जीवन में जैसे लोग जितना बड़ा स्तर बढ़ेगा उतना लोगों की सेवा का स्तर बढ़ेगा। तो मेरा मानना है कि सेवा इसमें बहुत ज़्यादा सेवा कर सकता हूँ। हम आपसे राजनीति की बात करें तो आप इससे पहले भी निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, तो निर्दलीय चुनाव में भी आप दूसरे या तीसरे नंबर पर रहते, इस बार आपको पार्टी का सिंबल भी मिला है भारतीय जनता पार्टी का, इससे आपको उम्मीद और आशा लगी। बिल्कुल आशा है, आशीर्वाद से आशीर्वाद उनके आशीर्वाद यहाँ पर पहुँचूंगा और जनता की सेवा करने का मुझे पूरा मौका मिलेगा। अब बात करते हैं कि मेड़ता विधानसभा में किन मुद्दों पर आप लोगों के बीच में जाएंगे और वोट मांगेंगे। बिल्कुल विकास का मुद्दा रहेगा मेड़ता में, जो है मेड़ता जिला बनना चाहिए। आज़ादी से पहले जिला था मेड़ता, जिला बन नहीं पाया, तो प्रयास करेंगे। मेड़ता के चारों ओर अनेक सहायक चल रहे हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र है, हॉस्पिटल की बहुत बड़ी कमी है, 100 बेड का निर्माण का प्रयास करेंगे। मेड़ता में जो है हमारा पुराना हॉस्पिटल है, हमारा बड़ा है, उसको हम जनाना करने का प्रयास करेंगे, जो सब सब लोग काम आए। और लाइट का मुद्दा है, लेकिन लाइन है सारे शहर का बड़ा हो गया, वो भी आए हादसे होते हैं, उनको भी करेंगे। किसानों के लिए भी बिजली कम मिल रही है, खाद बीज की बहुत समस्या है, उस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। और हमारा मंडी का क्षेत्र है, राजस्थान की सबसे बड़ी मंडी है, उस मंडी का क्षेत्र कम पड़ रहा अभी, तो उसमें व्यापारी और किसान बहुत परेशान है, उनको भी कहीं ना कहीं बाहर शिफ्ट करने का प्रयास करेंगे। लक्ष्मण जी, आपने किसानों की बात की, जब हमने लोगों से बातचीत करी तो किसानों से भी बात करी हम गांव में, तो किसानों की ये मांग थी कि उनको दाल का सही दाम नहीं मिलता है, जब मूंग की दाल वो मंडी में ले जाते हैं तो उनको सही दाम नहीं मिलता है, इसके लिए क्या आपकी योजना है आगे चल रही। देखिए, किसान वास्तव में एक बहुत बड़ी मेहनती कौम है, हमेशा जो खेतों में काम करते हैं, सब्जियों में काम करते हैं, तो वैसे उनको अच्छे भाव मिलने चाहिए। और अगर मैं विधानसभा पहुँचता हूँ और कामयाब मिलेगी तो मैं किसानों के लिए विधानसभा अच्छी बात करूँगा। लक्ष्मण जी, आपसे अब अंतिम सवाल पूछते हैं, राजनीतिक प्रदेश स्तर पर भारतीय जनता पार्टी कौन सी रणनीति, किन आधार पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश स्तर पर चुनाव में चल रही है। बहुत से मुद्दे हैं, उस आधार का मुद्दा है युवाओं के, जो उन्होंने पेपर लीक का मुद्दा है, सब युवाओं के भविष्य परिवार के, उन्होंने हमारी बहन बेटियाँ कहीं मतलब क्राइम इतना बढ़ गया, जैसे मान लो यूट्यूब में इतना क्राइम बढ़ गया, आए दिन हादसे होते हैं। विकास का मुद्दा रहेगा, सारे मुद्दे रहेंगे, बहुत सारे मुद्दे हैं जो राजस्थान सरकार के खिलाफ है, बड़े नेता उसके बन जाएंगे और हम मुझे लगता है राजस्थान से पार्टी सरकार बनाएंगे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें आप इसी तरह हमारे साथ और मिलते हैं अगली विधानसभा में। धन्यवाद।